19 अप्रैल को पहले चरण के चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। ऐसे में नागपुर में भी चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। आज ईश्वर देशमुख कॉलेज से चुनाव कर्मचारी वोटिंग मशीन और चुनाव सामग्री लेकर रवाना हुए। सवेरे से ही सभी चुनाव कर्मचारी केंद्र पर मौजूद नजर आए। चुनाव ड्यूटी पर नियुक्त सभी चुनाव कर्मचारी आज मतदान की मशीन और चुनाव की सामग्री लेकर अपने मतदान केंद्रों में रवाना हुए। सवेरे से ही सभी कर्मचारी ईश्वर देशमुख प्रांगण में जमा हुए थे, जहां से उन्होंने अपने चुनाव मशीन और सामग्री संकलित की। इस समय बड़ी मात्रा में चुनाव कर्मचारी उपस्थित थे। इसी प्रांगण से पुलिस विभाग के कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगी है। यहीं पर मतदान केंद्र पर जाने वाली सभी बसें मौजूद थी, जो कर्मचारियों को लेकर मतदान केंद्र पर रवाना हुई। 19 अप्रैल यानी को कल जो है लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने हैं। आप देख सकते हो कि नागपुर में पूरी तरीके से तैयारियां हो चुके हैं। चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी जो है अपने तैयारियों में व्यस्त है। आप एक तरफ देख सकते हो कि पुलिस बल जो है यही से जो नागपुर का पुलिस बल है, सिटी पुलिस है, उनका यही से जो है संचालन हो रहा है। सभी की ड्यूटियाज लग चुकी है और सभी को यही से जो है भेजा जा रहा है अपने अपने स्थान पर। और एक तरफ आप अगर देख सकते हो तो इधर से सभी जो चुनाव कर्मचारी है उनको जो है मशीन का प्रदान किया जा रहा है और यही से जो है सभी चुनाव कर्मचारियों को मशीन दिए जा रहे हैं। और जितने भी कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है 30 से 35 हज़ार, उन्हें यहां से मशीन मिल रही है। इस तरह से जो है संचालन फिलहाल यहां चल रहा है नागपुर के इस कॉलेज से, और यहां से जो है सभी मशीन को दिया जा रहा है। एक एक कर नागपुर के जितने भी ग्रामीण इलाके हो या फिर शहरी इलाके हो, सभी को यही इसी जगह से जो है मशीन का संचालन कर रहा है, किया जा रहा है, वितरण किया जा रहा है। और इस प्रकार से चुनाव आयोग का काम फिलहाल नागपुर में तैयारियां शुरू है। साथ में चुनाव में जो लगने वाली सामग्री है, जैसे इंक है या फिर यादिया है, मदारी यादिया जो गवर्नमेंट की तरफ से आई है, वो भी इस अपने मशीन के साथ कर्मचारियों को दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं प्रकाश शुक्ला, NBCN नागपुर।